देखो स्क्रैच है थोड़ी सी यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, हल्का सा स्क्रैच मिली मेरे को, ये फोकस नहीं हो रहा है एक्चुअली, नहीं तो मैं दिखाता आपको, ये हल्का सा स्क्रैच रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो यहाँ पे स्क्रैच कैसे आई है, बट ओके 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 गाइस, यहाँ पे यूज्ड मिली है क्या लग रहा है, वन सेकेंड वन सेकेंड, आई थिंक मेरे को यूज्ड मिली है वॉच, देख सकते हो हल्का सा यहाँ पे डेंट्स आया, पता नहीं डेंट है क्या है ये मेरे को एक्चुअली। सो वेलकम है गाइज, आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। जैसा कि आप सबको पता है मेरे पास ये एम्ब्रेन की जो YZ1 आ चुकी है और सिर्फ 1,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, जिस पर्सन ने भी इसको ग्रैब कर लिया था, 1 घंटे की डील आई थी उस डील में, अगर किसी ने भी ग्रैब कर लिया तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे मेरे को आज रिसीव हो गई है तो थोड़ा सा टाइम लग गया, वैसे आज आउट फॉर डिलीवरी था। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है देख सकते हो, यहाँ पे अराउंड 5,000 रुपीज़ लिखा है, बट आपको 1,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी एम्ब्रेन की YZ1। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं और थोड़ा सा हिल राइज के अंदर पता नहीं कैसे रखा हुआ है पैकिंग, हम देख लेंगे, वैसे स्क्रैचेस तो नहीं है। ऑक्सीजन रिडक्शन सैचुरेशन लेवल 60 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, नोटिफिकेशन अलर्ट है और फिटनेस ट्रैकर है, 10 डेज का बैटरी लाइफ है और 3 बिल्ट इन गेम्स मिल जाते हैं, तो इसमें गेम्स भी मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप ओपन कर लोगे इसको यहाँ पे, ब्लूटूथ 5.0 दिया गया इसके अंदर, तो थोड़ा सा लेटेस्ट देते हो तो अच्छा था। और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, एक और यहाँ पे सील है वैसे ये रही, तो कहीं ओपन तो नहीं है कहीं, इस तरीके से मिल जाता है। ओके कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, ये है आपका पता नहीं, यहाँ पे कुछ रिव्यू के लिए बोला गया है। और गैस ये आपका ओके क्वेरीज को पूछने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है गाइज मेरे को ये वॉच, पता नहीं क्यों, देखो मतलब फर्स्ट ग्लैंस में, क्योंकि 1.69 इंच की डिस्प्ले तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पैक्ट होगी। यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे ओपन कैसे होगी ये, ओके एक और यहाँ पे वो है, हम इसको ऐसे ही ओपन करते हैं, नहीं आ रहा है, बेसिकली डबल पैकिंग कर रखी है, दोनों तरफ एम्ब्रेन का ये लगा रखा है, तो ये निकल चुकी है यहाँ पे। ओके इसमें चार्जर वॉबल कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था अंदर, ओके ये रहा, वैसे तो फिलहाल अच्छा ही है, यहाँ पे इस तरीके से मिलता है आपको, पे मेटल का डेफिनेटली जो है लुक लग रहा है। और ये रही हमारी केबल, केबल की क्वालिटी कैसी है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी लग रही है मेरे को केबल की क्वालिटी, वैसे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ, डेफिनेटली यहाँ पे मेटल का फील आ रहा है, हैवी भी है बट मेरे को ये मेटल पता नहीं लग नहीं रहा है, वैसे यूज तो नहीं लग रही है फिलहाल मेरे को, पता नहीं ये मतलब स्क्रैचेस आ गए हैं क्या है, मतलब पेस्ट लग रही है एक्चुअली, ये पेस्टेड है ये वाला जो यूनिट है, देखो यहाँ से हल्का हल्का यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है फिलहाल, तो एज सच मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, बट इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रिवॉच इट से, और यहाँ पे बटन मिल जाता है, इसको हम ऑन कर लेते हैं टैप करके, तो यहाँ पे ऑन हो चुकी है एम्ब्रेन की, यहाँ पे ब्रांडिंग आ चुकी है और अच्छा खासा यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, और देख सकते हो यहाँ पे 81% है वैसे, ओके स्मूथ है ये वाला मेन्यू मिल जाता है आपको, टैप करके आप होम पे आते हो, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है और इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच जाते हो राइट। और अगर मैं नीचे से स्वाइप करूँ तो यहाँ पे वापस से मेन्यू खुल जाता है और राइट साइड से ये स्प्लिट वाला खुल जाता है, ऊपर की साइड से ही आता है आपका ठीक है। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है वैसे तो डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट मिल जाते हैं स्ट्रैप्स आपको, ये चार्जिंग के लिए पेंस मिल जाती हैं, और आई थिंक यहाँ पे कोई कवर है क्या इसके ऊपर चढ़ा हुआ, नहीं गाइज मेरे को नहीं लग रहा इसमें कोई कवर है, ऐसा सच ऐसे ही है, बट गाइज एक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये पेस्टेड है पीछे का जो यूनिट है, आई डोंट नो यहाँ पे देखो पता नहीं क्यों ये पेस्टेड लग रहा है मेरे को, यहाँ पे फिलहाल ठीक है, यहाँ पे ये कहीं वाले यूनिट तो नहीं है एक्चुअली, जो कस्टमर वापस करते हैं वो होता है मतलब रिपेयर टाइप का,
आई डोंट नो यहाँ पे एक्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, बट मेरे को इसका अनबॉक्सिंग दिखाना था आपको, पेयरिंग एक वीडियो बनानी थी, तो ऑब्वियसली बात है. वैसे 22mm स्ट्रैप साइज है इसका. एक काम करते हैं, इसको हम पेयर करके देखते हैं फिर, ठीक है. सो गाइस, फिलहाल तो मेरे को नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी लग रही है मेरे को बहुत अच्छी लग रही है. और यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कितने मिलते हैं, वो तो यहाँ पे गिनना पड़ेगा. वैसे 6 मिल जाते हैं पर्टिकुलरली, और ये वॉच फेस बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, बेटर लग रहा है. और यहाँ पे जब हम वन सेकेंड यहाँ पे ब्राइटनेस देखते हैं, फुल एक्चुअली राइट. तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी इंस्टॉल करनी है, यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग में. यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम भी नहीं दिया गया है. क्यूआर कोड, ओके ये रहा. तो हम क्यूआर कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम फ़ोन ओपन कर लेते हैं, कैमरा, और यहाँ पे मैं ये रहा गूगल लेंस को ओपन कर लेता हूँ, फिर हम चेक करते हैं ये रहा. मेरे ख्याल से दाफेट एप्लीकेशन है कि कौन सी, मेरे को लग रहा है ओके दाफेट ही है, दाफेट है. तो हम दाफेट को ओपन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी वॉचेस दाफेट से पेयर हो रही हैं. तो आई डोंट नो यहाँ पे मतलब दाफेट ही फेवरेट एप्लीकेशन क्यों है हर एक वॉच ब्रांड की. यहाँ पे खुल गई है, अलाउ कर देना है. दो चीज़ें आपको ऑन कर देनी है, लोकेशन सर्विसेज और ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है, देन आपकी वॉच अच्छी तरीके से पेयर हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे आपको वॉच पे जाना है, वॉच पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पेयर कर लेना है, दैट्स इट. ये पुरानी वाली मैं रिमूव कर देता हूँ, थंडर मेरी कनेक्टेड है. यहाँ पे हम पेयर करते हैं और यहाँ पे आ जानी चाहिए. तो यहाँ पे आ चुकी है और गाइस यहाँ पे पेयर हो जाएगी सिंपली, ठीक है. यहाँ पे एक वाइब्रेशन फीडबैक आना चाहिए वैसे वॉच में मेरे ख्याल से, तो फिलहाल तो कनेक्टिंग ही दिखा रहा है अभी. ये मेरे को अच्छा लगा कि इसमें बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है, अब हुआ कनेक्टेड, बहुत देर में आया मतलब, पर आ गया. यहाँ पे हम एक चीज़ चेक कर लेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे जाके आपको जो फ़ोन वाला मेन्यू है उसको आपको चेक कर लेना है, वो ऑन है कि नहीं, देन ओनली आपका कनेक्ट रहेगा. ओके आ चुका है यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आ चुका है, इसको हम पेयर कर लेते हैं, ये रहा पेयर राइट. और ये पेयर हो चुकी है. अब गाइस सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, कॉलिंग फीचर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है. तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो कॉलिंग फीचर चेक करते हैं सबसे पहले. यहाँ पे चलते हैं, कॉल वैसे स्प्लिट स्क्रीन में दे रखा है यहाँ पे, ये रहा रीसेंट कॉल में तो कुछ नहीं है, डायल करते हैं हम वन सेकेंड. अच्छा खासा वाइब्रेशन मतलब अच्छा खासा इसमें जो मिल जाता है. और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब कॉल को ट्रांसफ़र कर सकते हो. लाउडनेस अच्छी मिलती है गाइस, फ़ोन पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो कॉल को. थोड़ा सा ये लैग कर रहा है मेरे ख्याल से, बट कॉल ट्रांसफ़र हो जा रहा है एक्चुअली राइट. इस तरीके से मिल जाता है. और अगर हम बात करें यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट की, तो वॉइस असिस्टेंट ढूंढे कहाँ पे, इसमें ऐड कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट ही रहा, ठीक है. व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो अच्छा खासा लाउड है. कॉल 198, कॉल 198, तो यहाँ पे कॉल भी मिला सकते हो आप थ्रू द वॉच इटसेल्फ आपके फ़ोन पे, फिर आप यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मतलब टाइट आपको प्रेस करना पड़ रहा है डिस्प्ले पे राइट. इस तरीके से मिल जाता है. आप गए सारे के सारे फीचर चेक करते हैं, मैंने वैसे सारी चीज़ें आपको चेक करा दी, फिलहाल तो जो मेन चीज़ें थी. बट अब यहाँ पे ऐप पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लो, यहाँ पे इस तरीके से टॉगल मेन्यू मिल जाता है. यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स है, यहाँ पे मैंने फुल से थोड़ा सा काम कर रखा है. ऑटो लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20 सेकंड तक मिलता है. और वन सेकंड कहाँ गया, हाँ
लो पावर मोड रिंग एंड वाइब्रेशन में जाते हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, रिंग एंड रिंग वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन पे भी रख सकते हो। सिस्टम पे जाते हो तो यहाँ पे सिस्टम पे रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट ये सब मिल जाता है। और ये अबाउट दैट सेट। और ये क्या है यहाँ पे, ओके टाइमर मिल जाता है यहाँ पे सेट करने का। यहाँ पे कैमरा शटर का शॉर्टकट है, यहाँ पे आपको ये अच्छा खासा ब्राइट मिल जाती है डिस्प्ले, ठीक है। टैप करके आप होम पे आते हो, लेफ्ट साइड से ऊपर तीन शॉर्टकट मतलब स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है बेसिकली। राइट साइड में आपको ये शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। मेन्यू को चेंज करने का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे नहीं है, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले में। वॉच, ओके वॉच फेस के बाद ये रहा मेन्यू व्यू, लिस्ट वाला में व्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये रहा स्पोर्ट्स मिल जाता है, स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया वो शो करता है। और इसी के साथ साथ फ़ोन पे यहाँ पे फ़ोन कॉल जो आपने अभी मिलाया है उस तरीके से स्लीप मॉनिटर करता है, हार्ट रेट उठ तो एयर चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं बता रहा अच्छी बात है। अब गाइस मैं सब्जी पे चेक नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ एक्चुअली, उतना हम टेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे उठ तो एयर नहीं बता रहा है, ये अच्छी बात है। और SPO2 चेक करते हैं, यहाँ पे BP मॉनिटर भी मिलता है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपको फीचर से ये भरी हुई है वॉच। और एक्सरसाइज मोड पे चलते हैं, यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग 60 जो स्पोर्ट्स मोड है वो मिलते हैं। बट गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वॉच को पहनते हैं और यहाँ पे हम वॉकिंग वाला एक बार चेक करेंगे। 50 स्टेप्स को मैं चलूँगा। और गाइस यहाँ पे मैं अपने रिस्ट पे भी पहन के दिखाता हूँ आप सभी को कैसी लग रही है वॉच। कमाल की वॉच लग रही है गाइस, प्रीमियम लुक दे रही है, स्किनी रिस्ट के लिए परफेक्ट है वॉच, देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी स्लिम वॉच है एक तो, और कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है। तो हम चलते हैं और 50 स्टेप्स देखते हैं कितने यहाँ पे काउंट करेगी। सो गाइज मैंने 50 स्टेप्स को चला, यहाँ पे 42 स्टेप्स दिखा रहा है एक्जैक्टली, और यहाँ पे हार्ट रेट दिखा रहा है और ये किलोमीटर। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बट ठीक है, मतलब क्लोज टू एक्यूरेट कह सकते हो आप। और यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वेदर अपडेट्स दिखा रहा है, देखो देख सकते हो यहाँ पे फरीदाबाद का वेदर दिखा रहा है। और कनेक्टेड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है मैसेज, यहाँ पे मैसेज जो है वो शो करता है। AI वॉइस असिस्टेंट, शटर मिल जाता है, स्टॉप वॉच मिल जाता है, ब्रीद अलार्म देखते हैं यहाँ पे वॉच में इटसेल्फ लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, आपको एप्लीकेशन से लगाना पड़ेगा। प्लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, प्लेयर मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो। टाइमर मिल जाता है, फ्लैश लाइट है और गेम्स मिल जाते हैं इसमें, कैलकुलेटर नहीं मिलता, ये मेरे को फ्लॉ लगा, कैलकुलेटर देना चाहिए था। यहाँ पे इस तरीके से आप गेम खेल सकते हो वॉच में इटसेल्फ, तो जब आपका मैन थोड़ा सा बोर फील करे तो आप यहाँ पे गेम की खेल सकते हो वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे को बेटर लगा। टैप करते हैं आप और यहाँ पे यंग बर्ड वाला और 2048 3x2 गेम्स मिल जाते हैं, वैसे बाहर उसमें दो बताए थे बस इसमें 3 मिल जाते हैं। और ये आप होम पे आते हो वापस से, वॉच फेस चेंज करना है इस तरीके से, आप यहाँ पे वॉच फेस देख सकते हो। बट यहाँ पे लाइव वॉच फेस, ये लाइव है क्या, नहीं लाइव नहीं मिलता। हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, तो एप्लीकेशन पे हम चलते चलें तो एप्लीकेशन में ये मिल जाता है आपको। वॉच फेस पे चलते हैं, यहाँ पे अपनी पिक को ऐसे वॉच फेस लगा के देखते हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हो टन्स ऑफ वॉच फेस और मिल जाते हैं, बट अपनी पिक को ऐसे वॉच फेस लगा के देखेंगे पहले। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पिक एज एग्जैक्टली जैसे आपको उसमें मिलता था ना, जो आपको कॉलिंग वाले में फायरबोल्ट की कॉलिंग प्रो में, उस तरीके से इसमें मिलता है। बट कॉलिंग प्रो में आपको कैलकुलेटर भी मिलता है, बट मैं कॉलिंग प्रो के साथ ज़रूर कंपैरिजन लेके आऊँगा आप सभी के लिए, आप चिंता मत करिए। वैसे फिलहाल हम अपनी पिक को एज वॉचेस लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स और ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी कैसी मिलती है आपको जो आप अपनी पिक को एज वॉचेस लगाते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक चूज़ कर लिया और यहाँ पे टाइम कहाँ है, टाइम अभी नहीं दिखा रहा है, डन करते हैं पहले। टाइम फेस पे दिखा रहा है तो टाइम एक काम करते हैं, टाइम पोजिशन हम बिलो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको सेव कर देंगे, यहाँ पे स्विच हो रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। तो गाइस ये लग चुका है और यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे मतलब डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, मतलब ये IPS लग रही है डिस्प्ले मेरे को बेसिकली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे, अब यहाँ पे चलते हैं और अलार्म आप यहाँ पे लगा सकते हो और उसमें देख सकते हो। नोटिफिकेशन एक्सेस तो मैंने आपको बताई दिया आ ही रहे हैं वैसे भी, और फेवरेट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे अप टू 8 कॉन्टैक्ट्स को आप सेव कर सकते हो और उसके बाद आप मिला सकते हो। अदर्स में चलते हैं, यहाँ पे फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, वॉच फाइंड होने लगती है और यहाँ पे रिंगटोन भी बज रही है टाइप की। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता आपको, ये रहा फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, अच्छी बात है। और आगे बात करें यहाँ पे बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे 30 सेकंड तक का मैक्सिमम मिल जाता है इन द एप्लीकेशन करोगे तो आप उसमें 20 मिलता है। क्विक व्यू यहाँ पे और ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी जरूर मिलेगा इसमें, ये रहा फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। और लास्टली यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। तो ये ऑलरेडी अप टू डेटेड है, बट एक काम करते हैं अब हम मेन जो है चीज़ वो चेक कर लेते हैं, जो है आपका एक्यूरेसी, ठीक है। हम पेयर करेंगे इसको, पेयर नहीं करेंगे बेसिकली, ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस मैंने ऑक्सीमीटर पहन लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कहाँ क्या है,
ये रहा हार्ट रेट, सो गाइस मैंने पहन लिया ऑक्सीमीटर और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। और एक काम करते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे देख सकते हो 98 शो कर रहा है ऑक्सी मतलब ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, और 76 हमारा हार्ट रेट शो कर रहा है 76, और 79 यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्लोज टू एक्यूरेट आप मान सकते हो यहाँ पे, हार्ट रेट अच्छी तरीके से बता रहा है। अब SpO2 चेक करते हैं, इसमें तो 96 दिखा रहा है और यहाँ पे 84 हो गया है, 96 यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ पे। गाइज मैं कहता हूँ आप सभी को कि ऑक्सीमीटर से आप टेस्ट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वैसे वॉच पे रिलाई मत करिए अगर SpO2 लेवल को खासकर आप चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे बताता है। तो यहाँ पे 96 दिखा रहा है, राइट, एक्चुअली ऑक्सीमीटर को मैच कर गया। यहाँ पे एक काम करते हैं, SpO2 लेवल भी चेक कर लेते हैं, मतलब BP मॉनिटर भी चेक कर लेते हैं। अब गाइस वॉच कैसी है देखो, 1000 रुपये में तो लूट डील भी मिल गई आपको, अगर आपको मिल गई तो आप रख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। बट पता नहीं मेरे को यूज्ड आइटम मिला है, तो मैं इसको एक रिप्लेस मारूंगा और रिप्लेस करके मैं अपनी दूसरी जो वॉच है उसको ऑर्डर करूंगा, क्योंकि पीछे का जो कैबिनेट है इसका वो पेस्टेड लग रहा है मेरे को, तो इस तरीके से यूज मेरे को लग रहा मिली हुई है। बट फिलहाल तो कोई इशू नहीं है और कॉम्पैक्ट है, वैसे आप इसको ले सकते हो। स्किनी रिस्ट है जिसके, मतलब बहुत ज़्यादा स्किनी है, आपके हाथ पे वॉच अच्छी नहीं लगती कोई भी, तो उस पे वॉच अच्छी लग सकती है, लाइट वेट भी है, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है आपको। इसका कंपैरिजन बहुत जल्दी आने वाला है कॉलिंग के साथ, फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग प्रो। तो गाइस स्टिक रहेगा, वैसे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।